चाणक्य समसामयिक विशेष में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है ब्रेक्जिट डील संपन्न। यह विषय इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हाल ही में ब्रिटेन और यूरोपीय यूनियन के बीच ब्रेक्जिट डील संपन्न हो गई है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने ब्रेक्जिट ट्रेड डील पर साइन कर दिए हैं। इसके साथ ही ब्रिटेन और यूरोपीय यूनियन का ऐतिहासिक रिश्ता टूट गया है। यूरोपियन यूनियन में भी सभी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद यह डील बिल 1 जनवरी 2021 से लागू हो गया है। ब्रिटेन यूरोपीय यूनियन से अलग होने वाला पहला देश है। ब्रिटेन के यूरोपियन यूनियन से अलग होने की प्रोसेस को ही ब्रेक्जिट कहते हैं। यूरोपियन यूनियन से अलग होने के बाद ब्रिटेन और यूरोपीय यूनियन के बीच आगे का व्यापार कैसे होगा, उसके लिए ही ये डील हुई है। ब्रिटेन का यूरोपियन यूनियन से अलग होने का फैसला कैसे किया गया? यूरोपियन यूनियन यूरोप के 27 देशों का एक संगठन है। 31 जनवरी 2020 तक ब्रिटेन भी इसका सदस्य था, लेकिन जून 2016 में हुए जनमत संग्रह के बाद ब्रिटेन ने यूरोपियन यूनियन से अलग होने का फैसला किया। ऐतिहासिक रेफरेंडम में ब्रिटेन की जनता ने 28 देशों के यूरोपियन यूनियन से अलग होने के पक्ष में वोटिंग की थी। 31 जनवरी 2020 को यूरोपियन यूनियन से औपचारिक रूप से अलग होने के बाद ब्रिटेन 11 महीने के ट्रांजिशन पीरियड में था, जिसमें उसे यूरोपियन यूनियन के नियमों का ही पालन करना था। 31 दिसंबर को ये पीरियड खत्म हो रहा था। अब सवाल ये है कि ब्रेक्सिट की जरूरत आखिर क्यों पड़ी? यूरोपियन यूनियन में 28 देशों की आर्थिक और राजनीतिक भागीदारी थी। इसके तहत इन देशों में सामान और लोगों की बेरोक टोक आवाजाही होती है। ब्रिटेन की यूरोपियन यूनियन में कभी चली ही नहीं, इसके उलट ब्रिटेन के लोगों की जिंदगियों पर यूरोपियन यूनियन का नियंत्रण ज्यादा रहा। वह कारोबार के लिए ब्रिटेन पर कई शर्तें लगाता था। ब्रिटेन के सियासी दलों को लगता था कि अरबों पाउंड सालाना मेंबरशिप फीस देने के बाद भी ब्रिटेन को इससे बहुत ज्यादा फायदा नहीं होता है, इसलिए ब्रेक्जिट की मांग उठी थी। अब हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि इस डील में इतना लंबा वक्त कैसे लग गया। 1993 में यूरोपियन यूनियन के गठन के वक्त से ही ब्रिटेन इसका हिस्सा रहा है। यूरोपियन यूनियन से अलग होने के बाद ब्रिटेन और ईयू देश कई मुद्दों पर सहमत नहीं हो रहे थे। फेयर कंपटीशन रूल्स, भविष्य में होने वाले विवादों को सुलझाने का मैकेनिज्म तैयार करना और ब्रिटेन के समुद्र में यूरोपियन यूनियन की नावों को मछली पकड़ने का अधिकार देना इसमें शामिल है। मछली पकड़ने का मुद्दा इस डील में सबसे बड़ी रुकावट बना हुआ था। अब हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि मछली पकड़ने का मुद्दा इतना बड़ा क्यों था। दोनों ही पक्षों की इकोनॉमी में फिशिंग इंडस्ट्री का योगदान महज 0.02% ही है, लेकिन ये मुद्दा दोनों पक्षों के लिए भावनात्मक और राजनीतिक ज्यादा था। यूरोपियन यूनियन के लिए इंग्लिश चैनल में उसकी नावों का एक्सेस ट्रेड एग्रीमेंट के लिए महत्वपूर्ण था। वहीं ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से अलग होने के बाद इसे अपने एकाधिकार से जोड़ रहा था। ब्रिटिश सरकार फिशिंग के लिए ब्रिटेन का कोटा बढ़ाने का दबाव डाल रही थी, जबकि यूरोपियन यूनियन चाहता था कि दोनों ओर से जो भी मछलियां पकड़ी जाएं, उन्हें दोनों पक्षों में बांटा जाए। ब्रेक्जिट डील संपन्न होने के बाद अब आगे क्या होगा? सबसे पहले ब्रेक्जिट डील को व्यवहारिक रूप देने के लिए संसद की मंजूरी की अनिवार्यता है। डील के कानून की शक्ल लेते ही ब्रेक्जिट के बाद का वक्त शुरू होगा, जिसमें यूरोपियन यूनियन और ब्रिटेन के अलग अलग बाजार होंगे। हालांकि ब्रिटेन और यूरोपियन यूनियन सीमा पार होने वाले व्यापार के लिए एक दूसरे पर कोई टैक्स नहीं लगाएंगे। इसके लिए कोई कोटा भी फिक्स नहीं किया गया है। अब अंत में देखते हैं आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, ब्रेक्जिट डील से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक, ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से अलग होने वाला पहला देश है।
ब्रिटेन के यूरोपियन यूनियन से अलग होने के प्रोसेस को ही ब्रेक्जिट कहते हैं। कथन दो, यूरोपियन यूनियन से अलग होने के बाद ब्रिटेन और यूरोपियन यूनियन के बीच आगे का व्यापार कैसा होगा, उसके लिए ही ब्रेक्जिट डील हुई है। उपरोक्त में से असत्य कथन है, विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक और दो दोनों, विकल्प डी ना तो एक ना ही दो। कमेंट सेक्शन में आप इसके जवाब दे सकते हैं। पिछले वीडियो में जो प्रश्न पूछा गया था उसका सही जवाब है विकल्प बी। इसके साथ ही इस वीडियो को यहीं पर हम विराम देते हैं, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट।